क्या आपने कभी सोचा है, दोस्तों की बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं, उनमें तो बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं, जैसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेला नहीं रह सकते। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं, क्योंकि इनको अकेला रहना पसंद नहीं, खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के काम के लिए समय नहीं। फिर ऐसे लोग ये सोच के पछताते हैं कि काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर होके खुद के लिए समय निकाल लिया होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेला रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है दोस्तों, और अकेले रहने का ये मतलब भी नहीं है कि हम अपने घर बार परिवार रिश्ते नातों मित्रों से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला होती है, जो आगे हम इस कहानी में जानेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन सात अमूल्य गुणों के बारे में भी जान लेंगे। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। गुरुदेव, एक महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह बहुत दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया। मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। दो चार दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगी। रिश्ते रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मेन है, उनके पास रहकर भी नहीं जाना था, इतना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरुदेव, गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों और रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीजें हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, यह कहाँ बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं, और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागी तो तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास हो तो वह जो दुख देती है वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख? क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरु जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है।
यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं। पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुख के पार तू कहे फिर सुख और फिर दुख है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह दुख देते हैं और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव क्या इस सुख दुख के मायाजाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा था और वहां बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास यहां किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहां तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाजों पर लगा दो। तिन ए ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था, बस आवाजें थीं और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, सब हैं पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है। तुम्हें रहो सब के साथ पर भीतर से अकेले रहो, साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला जीना सीख लिया उसे कभी जीवन में दुख नहीं होते, उसे चीजें दुख नहीं देती, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है, अकेलापन ही हमें उनसे मिलता है। अपने अकेलापन को नकारात्मक मत समझना बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगी तब इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु बोले, मैं तुम्हें साथ ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो ये है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि ये सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आती, लेकिन क्योंकि वो अकेले हैं इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत की ये लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं, इसलिए यह दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता, ये अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े।
पर क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। ये अपने समय की कदर करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत कि ये लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी गहराई से सोच सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर अकेले रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों के रचयिता हुए हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी ये है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है, और वे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रह ही नहीं पाते, वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए ये दूसरों की बातों और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका ये पालन करते हैं। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद भी आ सकता है और नहीं भी। गुरु बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, अकेले रहने वाले लोगों के दूसरों के साथ रिश्ते बहुत ही गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त तो होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं, ये उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे ये दिल से जुड़े होते हैं कि उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और वो इनके सामने अपने पूरे दिल की बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन जिनके भी साथ होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। अगली खासियत, अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से ही उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास हुआ आत्मसम्मान के बढ़ने से मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं, और वो ये मान लेते हैं कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हरा न सके, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन ये कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है। यह सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाए तो, क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझाई और वह गुरु का धन्यवाद कर अपने घर चला गया।
दोस्तों हम इतना समझे कि जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं, वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उसे पाना लें, और जब हम उसे पा लेते हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूटे ना जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तब वह फिर से हमें दुख देती है, उसके जाने का दुख जो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, तीसरी चीज को पकड़ते हैं, और पीछे की चीजों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चलते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेला रहना सीख लिया, वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं, सारे कार्यों को पूरा करते हुए सुख से जीता है, आनंद से जीता है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी। धन्यवाद।